जी हाँ दोस्तों, वक्त होता है आपको बताने का कि भाई कौन से फोन्स 20,000 रुपए के नीचे सबसे अच्छे हैं। दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। और मैं एक बात बताऊं, प्रॉपर हमने रैंकिंग वगैरह की है, हमेशा जैसे वीडियो करते हैं दोस्तों, बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है और उसके बाद में हमने ये जो पांच है वो फोन्स शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। देयर इज अ मिनिमम बेंचमार्क कि भाई ये जो भी चिपसेट होनी चाहिए वो कम से कम 695 6 सीरीज की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। 20,000 के फोन्स है, एमोलेड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन फास्ट रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए। और हाँ, 5G, अब तो 5G आ गया है, अगले एक दो महीने में चालू हो जाएगा 5G फोन्स पे आना, सो 5G होने चाहिए। अब बैंड्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बट या रियल 5G होना चाहिए। फाइनली मिनिमम 6GB रैम एंड मिनिमम 128GB स्टोरेज। तो दोस्तों, जैसे हमेशा करते हैं, पहले पांचवें नंबर का बताएंगे और एंड में फर्स्ट बताने वाले हैं। एंड पांचवें नंबर पे दोस्तों आता है Realme 9 SE 5G। पहले अच्छी चीज बता दूं दोस्तों, अगर आपको गेमिंग करनी है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स, क्योंकि Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर आता है, 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, 5000mAh की बैटरी है, 30 वॉट चार्जिंग है। एक चीज अच्छी नहीं और इसकी वजह से ये नीचे आ गया है, एक तो दोस्तों दो ही बैंड्स है, हाँ जो सबसे पॉपुलर बैंड्स हैं वो 5G बैंड्स आते हैं, बट दो बैंड्स हैं। एंड इसका कैमरा कहूंगा ठीक ठाक है, 48 megapixel +2+2, नथिंग टू टॉक अबाउट दैट। तो कैमरा के लिए अगर फोन लेना है तो इसे स्किप कीजिए, गेमिंग के लिए लेना तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों रियलमी का ही 9 Pro, रियलमी 9 Pro 5G। अब इसमें 5G के पांच बैंड्स हैं, 5G बैंड्स हैं इसके अंदर, Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर है, विच इज अ डिसेंट प्रोसेसर, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें 8GB रैम मिलती है आपको, अंडर 20,000 8GB रैम, इनफैक्ट 18999 इसकी प्राइस है, सो इट इज नॉट इवन 20, इट इज 19,000 रुपीस। एंड कैमरा भी डिसेंट है, एक्चुअली मैं कहूंगा ये एक ऑलराउंड फोन है, क्योंकि इसमें 64+8+2 मतलब अल्ट्रा वाइड भी मिलता है आपको, एंड 6.59 इंच की IPS LCD, 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, दिस इज अ ऑलराउंड फोन, Realme 9 Pro 5G। So yeah, that comes at number 4. और दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, और ये मुझे फोन सही में अच्छा लगता है इसकी प्राइस के हिसाब से, Samsung Galaxy M33। एक तो 6000mAh की बैटरी है और 5nm Exynos 1280 प्रोसेसर है, तो बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, बैटरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो डेफिनेटली आप Samsung Galaxy M33 5G के पास देखिए। बाकी डिस्प्ले वगैरह ठीक ठाक है, 6.6 इंच का FHD +120Hz का डिस्प्ले है, 12 बैंड्स है, 12 5G बैंड्स है, सो दैट्स अ बिग थम्स अप, एंड 6GB रैम, 128GB स्टोरेज भी आता है इसके अंदर, सो या 25 वॉट चार्जिंग है, थोड़ा फास्टर होता तो अच्छा होता, बट ओवरऑल आप देखोगे तो बैटरी के लिए दिस इज द बेस्ट फोन आउट देयर। अब दोस्तों अभी तक जो भी फोन्स, तीन फोन्स मैंने बताए हुए हैं, वो सब IPS LCD पे थे। जो सेकंड नंबर का फोन है Poco X4 Pro, इनफैक्ट Poco X4 Pro या फिर Redmi Note 11 Pro Plus, दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, नाम अलग है, कौन सा भी आप ले सकते हो, प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है दोस्तों, Redmi Note 11 Pro Plus जो है वो 1000 रुपए से ज्यादा है, और वो 1000 रुपए में आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलता है। जी 108 मेगापिक्सल का कैमरा है Redmi Note 11 Pro Plus में, उसमें 64 मेगापिक्सल का है Poco X4 Pro, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, 6.67 इंच का AMOLED 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आता है, सो डिस्प्ले के मामले में सही में अच्छा है, 695 Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर है, 7 5G बैंड्स का सपोर्ट है, 5000mAh की बैटरी है, बट हियर यू गेट 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, तो फास्ट चार्जिंग ज्यादा है इसमें। और कैमरा के मामले में जैसे मैंने बताया, Redmi में आपको 108 मेगापिक्सल +8+2 मिलता है, इसमें आपको 64+8+2 मिलता है, कोई भी आप देख सकते हो, यू विल नॉट गो रॉन्ग, बट डेफिनेटली हाईलाइट ऑफ दीज फोन्स डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग। एंड नंबर वन पे कौन सा आता है दोस्तों, याद रखिए ये जो है ना, ये थोड़ा महंगा है, 21,500 रुपीज इसकी जनरली प्राइस है, बट हमेशा ऑफर रहती है, 1,500 रुपए ऑफ मिलता है, मतलब 20,000 तक आपको ये मिलता ही है। मैं बात कर रहा हूँ Motorola G82 5G के बारे में। G82 रियली नाइस फोन, एक तो दिखने को अच्छा है, बहुत ही स्लिम एंड लाइट वेट है, डिस्प्ले में 6.6 इंच का POLED डिस्प्ले आता है, प्लास्टिक OLED, उसकी वजह से ये थिन भी है एंड बेटर क्वालिटी डिस्प्ले मैं कहूंगा। इसमें भी Qualcomm Snapdragon 695 आता है, लेकिन 13 5G बैंड का सपोर्ट है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 5000mAh की बैटरी एंड 33 वॉट चार्जिंग, हां 67 नहीं है, 33 वॉट है, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे दोस्तों, आई रियली लाइक इट बिकॉज ऑफ कैमरा एज वेल, इसमें 50 megapixel का OIS कैमरा मिलता है आपको, तो इट इज स्टेबलाइज, 50+8+2 एंड फॉर 20,000, और अगर आप कंपेयर करते हो बाकी के फोन्स के साथ, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से Moto G82 नंबर 1 पे आता है। दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर आप रैंक करते हो तो आप कैसे रैंक करोगे इन फोन में से, कोई और फोन भी होना चाहिए अंडर 20,000 के लिस्ट में, जरूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे इस वीडियो का फायदा होता है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।